हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र सिंह मेहरा। टीच मी डेली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ऑनलाइन हिंदी में प्रिपरेशन के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी यहाँ पर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड नई नई वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें और ट्विटर में हमें फॉलो करें। फेसबुक और ट्विटर के लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 13 के लिए डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा कि कैसे पता करते हैं कि कोई नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दूसरे नंबर के डिविजिबिलिटी रूल के ट्रिक आप यहाँ पे साइड में कार्ड्स में जाकर देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आते हैं। तो कैसे पता करते हैं कि कोई नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं है? 13 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही ईजी है। बस आपको एक पैटर्न याद रखना है, 1, 4, 3 -1, -4, -3, इस पैटर्न को आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं, 170। इसे हमें पता करना है कि यह 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पैटर्न को अप्लाई करेंगे। तो पैटर्न क्या है, 143, 1, 4, 3। अब क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1, बीच में प्लस साइन आएगा। 4 1 जा 4, फिर से प्लस साइन आएगा। 7 3 जा 21। तो इनको ऐड करके कितना आता है, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 1 26। तो 26 13 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 117 भी 13 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल है, 513। इसे चेक करते हैं कि यह 13 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। तो इस पैटर्न को हम अप्लाई करेंगे, 1 4 3, 5 1 जा 5, +1 4 जा 4, +3 3 जा 9। तो इनको सम करके कितना आता है, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18। तो क्या 18 13 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है? तो इसका मतलब 513 भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपने देखा कितनी इजी ट्रिक है ये। आप बिना टाइम वेस्ट करे पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर 13 से डिविजिबल होता है। एक और एग्जांपल है, 62257। इसे हमें पता करना है कि ये 13 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। तो इसमें भी इसी पैटर्न को लगाएंगे, 143। अब क्या आएगा, -1 -4, 6 1 जा 6, प्लस आएगा बीच में, 4 2 जा 8, प्लस आएगा बीच में, 3 2 जा 6। अब क्या आएगा, अब आएगा माइनस। तो 5 1 जा 5, -7 4 जा 28। तो इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 माइनस 5 15, 15 माइनस 28,
तो 15 माइनस 28 कितना होता है? माइनस 30। और जैसा कि आप जानते हैं कि माइनस 13 13 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 62257 भी 13 से डिविजिबल होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें पता करना है कि 520130 13 से डिविजिबल है या नहीं है। आपको पता है कि कैसे करना है इसे? 1 4 3 लिखेंगे पहले, फिर क्या आता है? -1, फिर आता है -4, -3। ये कोड याद रखना बहुत ही इजी है, क्योंकि ये कोड आपने बहुत बार सुना हुआ है। तो 5 बन जा 5, प्लस आएगा बीच में 4 2 8, प्लस 3 0 0, -1, -12, -0, 8 + 5 13, -1 -12 -13, तो 13 -13 0। तो आंसर क्या आया? 0 आया। इसका मतलब 520130 क्या होगा? 13 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में जाकर भी हमारे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।